हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। अभी 13 तारीख का हुआ झज्जर के अंदर, और वो कोई पार्टी कार्यालय का उद्घाटन वे कर रहे थे। वहाँ पे लोगों ने दूर से वहाँ पे वो ब्लैक झंडे उनको दिखाए, लेकिन पुलिस प्रशासन का भी फेर भी है कि 4 इंच वे पाड़ कर वे रख कर कहने लगे जो पाड़ कर गए यूनियन वाले। भाई आपके गृह मंत्री ने कहा कि 200 मीटर से आप काला झंडा दिखा सकते हो, हमने कहा कि कुछ इसके मीटर घटा लो, आप 200 से कुछ कम कर लो, कुछ हम भी 0 से बढ़ जाएंगे, तो 25 से 20 और 50 मीटर की दूरी से लोग ऐतराज जताते हैं, काला झंडा दिखाते हैं, हमारा ये विरोध है, उसमें तो कोई दिक्कत है। लेकिन वहाँ पर मुकदमे करना, करीब 60-70 लोगों के ऊपर मुकदमे करना, ये कहाँ का वो है कि मुकदमे करोगे? तो ऐसा ना करो कि फिर वहाँ हिसार की तरह फिर लोग इकट्ठे हो, फिर वहाँ पे टोहाने की तरह फिर लोग वहाँ पर आवे, तो एक ये मुकदमा रहेगा क्या कि हरियाणा ने पूरी जिम्मेदारी ले ली वहाँ की सरकार ने कि इसे दिल्ली के आंदोलन को हम यहाँ पे ले आओगे। अपना होगा, अपना शांतिपूर्ण तरीके से जब तक ये मामला चल रहा है हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, वहाँ पे भी हमारा शांतिपूर्ण तरीके से रहा और आगे भी हमारे जितने भी प्रोग्राम होंगे वे शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, काला झंडा दिखाते रहेंगे तो, लेकिन दूरी बना के। तो वहाँ पे भी जो मुकदमे लिखे गए हैं कौन सी धाराओं में लिखे गए हैं, तो बड़े मेहरबानी करके उनको मुकदमों को अपना वापसी दे दें। हमारा काम यहाँ पे चल रहा है, हमारी नियत ये है कि किसी के हम किसी के घर पर कब्जा कर रहे, किसी के कार्यालय पर कब्जा कर रहे, और ये झज्जर वाले लेट बहुत हो गए बीजेपी के कार्यालय बढ़ाने में, तो पूरे देश में बन रही है और जिले में बढ़ा दिए उनको कार्यालय, झज्जर वाले कहाँ से लेट हो गए? क्या झज्जर क्षेत्र को पिछड़ा है? कोर्ट नहीं उन्होंने जोड़ा रुके के नाम पे वो है कार्यालय बनाए रहे कहीं, तो ये नहीं अपना बनाओ अपना कार्यालय बनाओ, पत्थर लगाओ, मार्बल लगाओ, बिल्कुल टैल लगाओ उसमें बढ़िया, तो कोई दिक्कत थोड़ा हो तो सब हाँ आप माल अपना लगा लो, तो हमारा कोई मतलब नहीं है उनसे, जो मुकदमे है वे वापसी ले लो, ये हमारा वो है।